आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर के अंजुमन डिग्री कॉलेज में हज यात्रियों के लिए होगा वैक्सीनेशन कैंप। हर साल हज के लिए रवाना होने वाले हुज्जाजे इकराम हज यात्रियों के लिए टीका लगवाना जरूरी होता है। इसी के चलते इस साल 2022 में बीजापुर जिले से हज के लिए रवाना होने वाले हुज्जाजे इकराम हज यात्रियों के लिए शहर बीजापुर की मशहूर अंजुमन डिग्री कॉलेज कैंपस में कर्नाटक राज्य हज कमेटी और अंजुमन इस्लाम बीजापुर के संयुक्त आश्रय में 4 जून 2022 शनिवार सुबह 10 बजे से हज यात्रियों के लिए वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी जानकारी अंजुमन इस्लाम बीजापुर के वाइस प्रेसिडेंट सैयद शाह जैनुल आबेदीन पिरजादे हुसैनी हाशमी और प्रोफेसर मोहम्मद असलम ने देते हुए सभी हज यात्रियों से पिछले दिनों बीजापुर में हुए हज ट्रेनिंग के दौरान हज यात्रियों को दिए गए आईडी कार्ड और कवर नंबर साथ में लाने की गुजारिश की। आपको बता दें कि 23 मई 2022 सोमवार को बीजापुर शहर की प्रतिष्ठित अंजुमन डिग्री कॉलेज परिसर में स्थित अल्लामा इकबाल हॉल में 2022 के बीजापुर और बागलकोट जिले के हज यात्रियों के लिए एक दिवसीय हज ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें बेहतरीन इंतजाम के साथ हज यात्रियों को ट्रेनिंग दी गई। और अब उसी अंजुमन डिग्री कॉलेज कैंपस में सिर्फ बीजापुर जिले के हज यात्रियों के लिए 4 जून 2022 शनिवार सुबह 10 बजे से वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन होने जा रहा है। इस अवसर पर बीजापुर के फर्स्ट मेयर और अंजुमन बीएड कॉलेज बीजापुर के चेयरमैन सज्जादे पीरा मुशरिफ, अंजुमन डिग्री कॉलेज बीजापुर के प्रिंसिपल ए.एन. चट्टरकी, अंजुमन डिग्री कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफेसर अब्दुल रहमान नासिर, अंजुमन पीयू कॉलेज बीजापुर के चेयरमैन सैयद इम्तियाज कादरी मुशरिफ रहे मौजूद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियासत कर्नाटका हज कमेटी और अंजुमन इस्लाम बीजापुर की जानिब से बरोज़ शनिचर 4 जून 2022 को हुज्जाज इकराम का वैक्सीनेशन का कैंप रखा गया है। ये कैंप इसीलिए ज़रूरी है, जो जितने भी हुज्जाज इकराम हज के लिए रवाना होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी कैंप है। और वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट और अपना हेल्थ कार्ड यहाँ से मिलेगा, उसके बगैर आप फ्लाइट वगैरह जो है बोर्ड करने के लिए परेशानी हो सकती है अगर ये वैक्सीनेशन ना लें तो। तो मैं तमाम हुज्जाज इकराम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वैक्सीनेशन कैंप जो है वो बहुत ही ज़रूरी कैंप है, और 4 तारीख के दिन बरोज़ शनिचर सुबह 10 बजे अंजुमन डिग्री कॉलेज के कैंपस में मुनक़द किया गया है। और तमाम हुज्जाज इकराम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस कैंप के अंदर आकर अपना अपना वैक्सीनेशन कर लें, और उसकी हेल्थ कार्ड का जो सर्टिफिकेट है वैक्सीनेशन का उसे आप हासिल करें। ये बहुत ही हज के लोगों के लिए ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। ये वैक्सीनेशन कैंप किसकी ओर से आयोजित किया जा रहा है? ये वैक्सीनेशन कैंप जो है रियासत कर्नाटका के हज कमेटी की जानिब से और अंजुमन इस्लाम बीजापुर की जानिब से मुनक़द किया गया। इसमें सिर्फ बीजापुर जिले के हुज्जाज इकराम को वैक्सीनेशन दिया जाएगा? हाँ, इसमें बीजापुर के 167 यानी 167 हुज्जाज इकराम को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। और एक ज़रूरी ऐलान है, तमाम हुज्जाज इकराम जो 23 तारीख को अंजुमन इस्लाम में जो तरबियती कैंप हुआ था उसमें आप लोगों को आपके कार्ड और आइडेंटी कार्ड वगैरह दिए गए थे जो आपके कवर नंबर के साथ हैं, उसे वैक्सीनेशन के टाइम पर लाना ना भूलें, उसी के ऊपर आपका वैक्सीनेशन डोज दिया जाएगा। आपका नाम? मैं सैयद जैनुल आबदीन हाशमी, वाइस प्रेसिडेंट अंजुमन इस्लाम बीजापुर। अस्सलाम वालेकुम। मैं इन साल जाने वाले तमाम हुज्जाज इकराम को मुबारकबाद पेश करते हुए आपसे एक गुजारिश की जाती है कि कर्नाटक स्टेट हज कमेटी और अंजुमन इस्लाम बीजापुर की जानिब से इनाकुलेशन का इंतज़ाम किया गया है, और सिर्फ वो बीजापुर के जो 167 यानी 167 हुज्जाज इकराम के लिए इंतज़ाम किया गया है,
वो जो है सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक अंजुमन डिग्री कॉलेज में रहेगा। और तमाम हुज्जा इकराम से भी अदबन गुजारिश है कि आते वक्त जो है अपना आईडी कार्ड और कवर कार्ड जो है कवर नंबर वो लेकर आएँ, ताकि यहाँ वैक्सीनेशन देने में हमारे लिए आसानी हो। दूसरी बात, जिस तरह आपने देखा कि तरबियत कैंप में जिस तरह अच्छा बेहतरीन इंतज़ाम करके आपको यहाँ से विदा किया गया था, इंशाल्लाह ये वैक्सीनेशन के टाइम में भी पूरी जो टीम है हमारी, या अंजुमन इस्लाम की टीम है और खादिमुल हुज्जाज की जो टीम है, वो आपका साथ देंगे, ताउन देंगे और अच्छी तरह से आपका इंतज़ाम करके इनॉग्रेशन करा के दे भेजेंगे। इसलिए बराए मेहरबानी आप आते वक्त जो है अपना कार्ड वगैरह लेकर आएँ। खादिमुल हुज्जाज क्या है? खादिमुल हुज्जाज एक ऐसा इदारा है नौजवान बच्चों का, जिसमें मैं हूँ। वो लोग जो हैं हर चीज़ की फैसिलिटीज करते हैं, जैसे आईडी कार्ड बनाना है या उनका और लगेज के ऊपर पैकेज कराना है और दूसरे उनकी कवर नंबर बनाना है, फॉर्म भरने से लेकर हुज्जाज इकराम जो है बेंगलुरु पहुंचने तक जितनी भी सहूलतें होती हैं वो सारी की सारी सहूलतें खादिमुल हुज्जाज की जानिब से की जाती हैं। और उसमें पूरे नौजवान हैं, जिसमें तौसीफ इनामदार है और उसे हम लोग भी हैं। वो ये है कि उसमें एक नए पैसे की कोई उजरत नहीं ली जाती, अल्लाह को राज़ी करने के लिए पूरा का पूरा फ्री इंतज़ाम किया जाता है। तो ये खादिमुल हुज्जाज की खिदमत है, इंशाल्लाह आइंदा भी हम करते रहेंगे। और हमेशा से हमने हमारे सदर ज़ैनुल आबिदीन साहब से भी कहा है कि जब भी आप वक्त करें, जिस जिन मामलों में जब भी आप बुलाएंगे, इंशाल्लाह हमारा भरपूर ताउन रहेगा। इसके लिए अभी शुरुआत जो काम चल रहा है वो खादिमुल हुज्जाज का ट्रेनिंग काम चल रहा है। वैसे जनरल जो सोशल वर्क होते हैं, कभी कभी वजह को परसों हाल में ही किए हुआ डॉक्टर का फ्री हार्ट एंड स्किन कैंप हुआ, ऐसे अलग अलग जो काम भी हुआ इंशाल्लाह होते रहते हैं। सभी तरह की सेवाएं इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब फ्री दी जाते हैं मुफ्त। मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद असलम, डिग्री कॉलेज डिग्री कॉलेज बिरार। इकरा पीयू साइंस कॉलेज में बॉयज एंड गर्ल्स के लिए एडमिशन की हुई शुरुआत। बीजापुर शहर के एक बेहतरीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से एक इकरा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन के लिए नीचे दिए गए पते पर कांटेक्ट करें। फातिमा कैंपस, बीएसएनएल क्वार्टर्स रोड, नियर मंगोली बेस, बीजापुर। नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके आप अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए एक बेहतरीन प्लान तैयार कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।